पहला सवाल है कर्णी एक्स स्क्वायर माइनस चार। अब इसमें जो फार्मूला लगेगा कर्णी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लगेगा, बिना बट्टा वाला ना। तो ये जो आपका फार्मूला है ये वाला ध्यान से रखेंगे, ये आपका देखिए ये वाला, ये बट्टा में नहीं है, कर्णी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला है एक्स बटा दो कर्णी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा दो लॉग एक्स प्लस कर्णी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से पहले इसको i के बराबर लिखेंगे, यहाँ समाकलन लगाएंगे और यहाँ dx लगाएंगे, फिर हो जाएगा i बराबर समाकलन x स्क्वायर हो गया, चार को क्या लिख सकते हैं दो का स्क्वायर, दो दूनी चार। अब सिंपल से इसमें t मारने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको सीधा फार्मूला लगा देना है समाकलन x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर, इसका जो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा x बाई टू कर्णी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस कर्णी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आपको रख देना है तो एक्स के बदले एक्स लिखना है और ए के बदले क्या लिखना है दो, ये जो फॉर्मूला है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका देखिए यहाँ से एक्स बटे दो हो गया कर्णी ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ए के बदले क्या लिखेंगे दो, तो दो का स्क्वायर माइनस ए के बदले क्या लिखेंगे दो, तो दो का स्क्वायर नीचे में दो पहले से है लॉग एक्स के बदले एक्स कर्णी एक्स स्क्वायर वैसा ही रहेगा ए के बदले दो, मतलब कुल मिला के आपको ए के बदले दो लिखना है बस, ये जो फार्मूला है इसमें। अभी हो जाएगा आपका देखिए यहाँ से हो गया आपका एक्स बटे दो कर्णी एक्स स्क्वायर हो गया दो दूनी चार, यहाँ दो का स्क्वायर है मतलब दो गुणा दो लिख सकते हैं उसको बटे दो, फिर ये हो गया आपका लॉग एक्स हो गया प्लस कर्णी एक्स स्क्वायर दो दूनी कितना हो जाएगा चार, एक एक दो कट जाएगा तो कितना आ गया आपका एक्स बटे दो कर्णी एक्स स्क्वायर माइनस चार माइनस हो गया आपका ये दो बचा, यहाँ लॉग ये हो गया एक्स प्लस कर्णी एक्स स्क्वायर माइनस चार। ये क्या है इसका उत्तर है, प्लस सी कर देंगे और यहाँ पर इसका उत्तर लिख देंगे, ये क्या है इसका उत्तर। इसका दूसरा सवाल है कर्णी ई घात चार एक्स माइनस ई की घात दो एक्स, इसको पहले आई के बराबर लिखेंगे समाकलन लगाएंगे और ये डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान से लिखेंगे पहले इसको ई कर्णी हो गया, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे इसमें से ई घात, जैसे ई घात चार एक्स है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ई घात दो एक्स इंटू ई घात दो एक्स, दो दूनी चार माइनस हो गया ई घात दो एक्स। अब समझ में आए ये क्या आधार समान है घात जुड़ जाएगा तो दो और दो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, समझिए यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा क्या ई की घात दो एक्स, ये हो जाएगा आपका समाकलन कर्णी ई घात दो एक्स कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचा ई घात दो एक्स, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक बचा हो गया। अब देखिए वर्गमूल दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, इसे हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे। तो अगर जैसे चार रहता है तो चार का वर्गमूल दो हो जाता है, नौ रहता है तो नौ का वर्गमूल तीन हो जाता है, तो वैसे ही ये दो है तो दो का इसमें एक बस कॉमन निकलेगा मतलब ई की घात एक्स आपका बाहर निकल जाएगा। तो हो गया कर्णी ई घात दो एक्स माइनस वन डी एक्स, बस समझ में आया ये ई घात दो एक्स वर्गमूल से बाहर निकला तो ई घात एक्स हो गया। तो कैसे हुआ तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं इस प्रकार, जैसे आप इसको ऐसे करेंगे जैसे ये लिखा है आपका कर्णी ई घात दो एक्स है क्लियर। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका ई घात दो एक्स, कर्णी का मतलब होता है एक बटे दो, यहाँ से दो और दो कटेगा ये ई हो गया एक्स और एक का गुणा करेंगे तो एक्स, तो क्या बचा ई घात एक्स, समझ में आया। तो वर्गमूल से बाहर निकला जब ई घात दो एक्स तो क्या हो जाएगा ई घात एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार ये ई घात दो एक्स निकल गया तो ई घात एक्स हो गया ये बचा। अब यहाँ से क्या करना है इस ई घात एक्स को आपको हटाना है, आप चाहे तो यहीं पर लिख सकते हैं इसको ई घात एक्स, तो यहाँ से आपको मानना पड़ेगा ई घात एक्स बराबर टी, मानेंगे माना ई घात एक्स बराबर टी, अब जिसको माने उसका अवकलन, तो यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स ई घात एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स टी,
e घात x का आकलन, e घात x होता है, ये नीचे का dx ऊपर आ जाएगा और ये dt। अब इस लाइन में वापस आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे, ये e घात x और dx, इसके बदले क्या लिख सकते हैं dt, और ये हो जाएगा आपको कर्णी, यहाँ e घात 2x है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा e घात x के बदले t लिखेंगे और घात में दो पहले से, समझेंगे यहाँ पर, जैसे ये e घात 2x है ना आपका, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे e घात x पूरे घात 2 ऐसा लिख सकते हैं, 2x का गुणा करेंगे 2x ही होगा, e घात x के बदले क्या लिख सकते हैं t और घात में क्या है 2, तो t का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया t का स्क्वायर हो गया माइनस वन, तो वन को लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, एक एक कम एक ही होता है ना, एक दूनी दो नहीं करना, और e घात x और dx के बदले क्या लिखना है dt, यहाँ लगाना है समाकलन, मतलब कुल मिला क्या करना है आपको, फार्मूला जैसे बनाना है, इसका फार्मूला क्या है कर्णी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इसका फार्मूला बन गया। तो अब यहाँ पर आपको लगाना है, चूंकि समाकलन कर्णी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है x बाई टू, कर्णी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग x प्लस कर्णी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर हुआ, फार्मूला आपसे भी याद हो जाएगा, जितना ज़्यादा आप सवाल बनाएंगे वो समझ में आ जाएगा आपको। तो x के बदले t लिखना है और a के बदले एक लिखना है इस फार्मूला में, ये x के बदले लिखेंगे t फिर बटे दो कर्णी, ये हो जाएगा आपका x के बदले लिख रहे हैं t तो t का स्क्वायर, a के बदले एक तो एक का स्क्वायर, a के बदले एक तो एक का स्क्वायर बटे दो log x के बदले t फिर x के बदले t a के बदले एक, तो यहाँ से हो गया आपका। अब t का मान रख देंगे, t का मान क्या होता है, t का मान माने है e की घात x, यहाँ पर रखेंगे t का मान हो गया क्या e घात x बटे दो, फिर रखेंगे t का मान e घात x, यहाँ दो है तो दो x हो जाएगा, एक एकम एक, एक एकम एक बटे दो, ये log हो गया t के बदले e की घात x, फिर t के बदले e घात x तो e घात दो x हो जाएगा, एक एकम एक। यहाँ पर प्लस सी एड कर देंगे इसमें, ये क्या है इसका उत्तर है। आठवां का पहला सवाल है, देखिए x कर्णी x की घात 4 प्लस 9, तो इसमें जो आपको फार्मूला आएगा यहाँ पर x को आपको हटाना पड़ेगा, तो ये हटेगा कैसे, जैसे x की घात 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, मतलब x की घात 2 को अगर आप t मानेंगे तो उसका आकलन होता है 2x, तो x हट जाएगा, तो इसको पहले आपको x स्क्वायर पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा कर्णी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ये वाला लाइन आपका ध्यान से देखेंगे कर्णी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो x बाई टू कर्णी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस कर्णी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब जो अभी सवाल बनाया ना सातवा, जस्ट वही फार्मूला है, बस इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, जैसे इसमें यहाँ प्लस है ना तो ये पूरा प्लस होगा, ये वाले माइनस था तो यहाँ पर माइनस आ गया था ए स्क्वायर बाई टू के सामने, बाकी सेम फार्मूला है, क्लियर है। तो पहले इसको आई के बराबर लिखेंगे, यहाँ समाकलन लगाएंगे, यहाँ डी एक्स लगाएंगे, तब यहाँ से क्या हो जाएगा आई बराबर ये समाकलन हो गया x, जैसे घात चार है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर पूरे का स्क्वायर दो दूनी चार, नौ है उसको तीन का स्क्वायर लिख सकते हैं, तीन दिया नौ, तब ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको t मानना है, माना x स्क्वायर बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स टी, तो इसका अवकलन होता है 2x, टू नीचे आएगा x इधर, dx नीचे है तो ऊपर बराबर dt, यहाँ पर ये हो जाएगा x dx दो गुणा है तो भाग में आ जाएगा, जितने का जरूरत है उसको एक साइड रखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं x dx के बदले क्या लिख सकते हैं dt बटे दो, इसलिए i बराबर समाकलन या कर्णी हो गया x स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं t, पहले से क्या है घात
दो प्लस तीन का स्क्वायर, एक्स और डी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, डी टी बटा दो। बस समझ में आए। अब ये एक बटा दो को अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक बटे दो, ये समाकलन लगाएंगे, कर्णी हो गया टी का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर ये डी टी। तो फार्मूला बन गया ये कौन सा आपका, ये वाला, चूंकि लिखेंगे यहाँ से समाकलन कर्णी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है डी एक्स, एक्स बाई टू कर्णी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस कर्णी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना है, ध्यान देंगे एक्स के बदले लिखना है टी, ए के बदले लिखना है तीन, ये फॉर्मूला में। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा एक्स के बदले टी तो टी बटे दो कर्णी, एक्स के बदले टी तो टी का स्क्वायर, ए के बदले तीन तो तीन का स्क्वायर, ए के बदले तीन तो तीन का स्क्वायर, नीचे में दो पहले से है, फिर ये हो गया आपका लॉग एक्स के बदले टी, फिर कर्णी एक्स के बदले टी तो टी का स्क्वायर, ए के बदले तीन, तो ये हो जाएगा तीन का स्क्वायर। तब ये हो जाएगा आपका टी का मान रख देंगे, टी का मान क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर, टी बराबर माने हैं एक्स स्क्वायर बटे दो, टी के बदले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पहले से क्या है दो, तो ये दो का गुणा कर देंगे, तीन का स्क्वायर होता है तीन तिया नौ, तीन की घात दो है तीन तिया कितना हो जाएगा नौ बटे दो, ये लॉग हो गया टी के बदले एक्स स्क्वायर, फिर टी के बदले क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहले से घात में क्या है दो, फिर तीन दिया नौ, यहाँ से हो गया आपका एक्स स्क्वायर बटे दो, ये हो जाएगा दो दूनी चार प्लस नौ, फिर ये हो गया प्लस हो गया आपका नौ बटे दो लॉग कर्णी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस दो दूनी, ये हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पर कर्णी नहीं लगाना है कट कर देंगे, यहाँ कर्णी लगाएंगे एक्स का चार प्लस नौ। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर देखिए एक बटे दो है पहले से, तो इस एक बटे दो को हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे एक बटे दो है ना वो सब के लिए है, तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा आपका एक बटे दो का गुणा इसमें भी होगा, ध्यान देंगे एक बटे दो सबके लिए है, यहाँ पर लिखेंगे तो एक बटे दो का गुणा इसमें भी करेंगे और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका एक बटे दो हो जाएगा, एक बटे दो का गुणा दोनों में कर देंगे क्योंकि दोनों के लिए था, यहाँ पर देखेंगे जो एक बटे दो है ना वो सब के लिए है, इसको लिखा नहीं था, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा आपका दो है, ये दो दूनी कितना हो जाएगा चार, ये दो दूनी कितना हो जाएगा चार, ये भी चार हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा चार, बाकी सब ठीक है। ये कोष्टक है आपका, कर्णी आपको यहाँ से लगाना है। यहाँ प्लस सी इसमें ऐड कर देना है, ये क्या है इसका उत्तर है। देखिए इसका तीसरा सवाल, sec x tan x कर्णी tan स्क्वायर x प्लस आठ। अब ये sec x tan x को हटाना है, इधर से t मानना पड़ेगा। अब ध्यान देंगे आप tan x को अगर t मानेंगे तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है इसको, चूंकि sec x का होता है अवकलन sec x tan x, इस tan स्क्वायर x को हमको sec x बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनेगा, पहले i लिखेंगे समाकलन dx, तब ये आई हो गया sec x tan x, ये जो tan स्क्वायर x है इसका फार्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस वन, त्रिकोणमिति फार्मूला से, समझ में आया। tan स्क्वायर x का क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस वन प्लस आठ पहले से है, लिख देंगे चूंकि sec स्क्वायर x बराबर होता है वन प्लस tan स्क्वायर x, कक्षा दसवीं गणित त्रिकोणमिति से, तो tan स्क्वायर x का मान निकालेंगे तो वन इधर आएगा तो sec स्क्वायर x माइनस वन हो जाएगा। क्लियर, अभी हो जाएगा आपका आई बराबर sec x tan x कर्णी हो गया sec स्क्वायर x, यह समान चिन्ह घटता है तो आठ में सेक गया सात, आठ बड़ा है इसलिए प्लस, और ये क्या हो गया dx।
तो ऐसा इसलिए किए, अगर इसको मानने पर इसका अवकलन ये आता तो ऐसा करने की जरूरत नहीं था, लेकिन आ नहीं रहा है, इसीलिए अब देखिए माना ये वाला जो sec x है इसके बराबर हम t मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो d by dx sec x d by dx t, sec x का अवकलन होता है sec x tan x, नीचे का dx ऊपर आ जाएगा और ये हो गया dt। अब इस वाली लाइन पे आएंगे, इसलिए i बराबर ये हो जाएगा आपका, ये sec x tan x और ये dx हट गया तो कर्णी हो गया, sec x को क्या माने t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सात को हम ऐसे लिख सकते हैं कर्णी सात का वर्ग, क्लियर हुआ, इसके बदले क्या लिख सकते हैं dt, समझ में आया, सात को कर्णी सात क्यों किया, क्योंकि यहाँ केवल सात है और कर्णी सात का वर्ग आप करते हैं, ध्यान दीजिए चूंकि कर्णी सात का वर्ग करते हैं तो दो और ये वर्ग मूल कट जाएगा, कितना बचेगा सात, तो सात लिखे या कर्णी सात का वर्ग लिखे दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है तो यहाँ पर हम यहाँ पर लगाएंगे, चूंकि समाकलन कर्णी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बाई टू कर्णी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस कर्णी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान देंगे आपको x के बदले क्या लिखना है t, a के बदले क्या लिखना है कर्णी सात, ये हो जाएगा इसलिए i बराबर x के बदले लिखेंगे t तो t बटे दो, x के बदले लिखेंगे t तो t का स्क्वायर, a के बदले कर्णी सात तो कर्णी सात का स्क्वायर प्लस a के बदले कर्णी सात तो कर्णी सात का स्क्वायर हो जाएगा बटा दो लॉग x के बदले लिखना है t, फिर x के बदले लिखना है t, a के बदले लिखना है कर्णी सात, ये हो गया स्क्वायर। ध्यानपूर्वक मान रखेंगे तब यहां से हो जाएगा आपका, और t का मान रख देंगे, t बराबर हमने क्या माना था sec x, ये हो जाएगा sec x बटे दो कर्णी sec x t बराबर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, यहां से दो और ये वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा सात बचेगा, वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो सात बचेगा सात बटे दो, फिर हो गया आपका लॉग, टी के बदले लिखेंगे sec x, फिर टी के बदले लिखेंगे sec x तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ से वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो कितना बचा आपका सात। तो यहाँ पर प्लस सी इसमें जोड़ देंगे, ये क्या है इसका, देखिए जो आठवां का दूसरा है वो सेम तीसरा के जैसे बनेगा, लेकिन इसमें आपको ऐसे त्रिकोणमिति फार्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट sec x को आप t मानेंगे तो sec x का अवकलन होता है sec x tan x, तो ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कर्णी t का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा।